जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11। दिस वीडियो विल बी फॉर योर सेकंड चैप्टर, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव रेड अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोडाइवर्सिटी मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, एंड हाउ वी कैन क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स इन डिफरेंट टैक्सा। ओके, दीज आर द टॉपिक्स वी हैव रेड इन फर्स्ट चैप्टर। क्लासिफिकेशन तक हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, किस डिफरेंट टैक्सन में कैसे हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पुट करेंगे। इन दिस चैप्टर दैट डील्स विथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वी विल स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाई डिफरेंट साइंटिस्ट। ये एक बहुत ही इनलार्ज्ड एरिया है और आप समझ सकते हैं कि हमारी बायोडाइवर्सिटी कितनी रिच है ऑफ आवर बायोस्फीयर। देन डिफरेंट साइंटिस्ट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड, बहुत ही एंशिएंट पीरियड से बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट अपना अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए। हर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम कोई ज़रूरी नहीं था कि बिल्कुल कम्प्लीट था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कैरेक्टर पर वो सही बैठता था। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो अभी तक कोई कंप्लीट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी टेक्निक बढ़ती जाएगी, हम लोग बहुत ज़्यादा किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना स्टार्ट कर देंगे, उनके साइटोलॉजी को जितना समझेंगे, उनके एनाटॉमी को जितना समझेंगे, उनके जेनेटिक्स को जितना समझने लगेंगे, मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने एरिया जो हैं वो टेक्निक डेवलपमेंट के बाद जितना ज़्यादा एक्सप्लोर होगा, हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज करता जाएगा। एंड नॉट एनी सिंगल क्लासिफिकेशन इज़ कम्प्लीट इन इट्स सेल्फ। ओके, सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिफरेंट साइंटिस्ट के अपने थेसिस के अनुसार, अपने थ्योरी के अनुसार, अपने क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, जिस कैरेक्टर को उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, जिस कैरेक्टर के को बेस बना के उन्होंने क्लासिफाई किया है, उस बेसिस पे डिफरेंट साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन डिफरेंट हो सकता है। सारे क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं सही हैं और कहीं ना कहीं गलत भी हैं। बट वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर बाई रीडिंग सम मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाई द साइंटिस्ट दैट फॉर्म देयर मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द बायोलॉजी, जिन्होंने स्टोन मार्क दिया और उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं आज भी फॉलो किया जा रहा है विथ सम मॉडिफिकेशंस। कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ ये क्लासिफिकेशन सिस्टम आज भी कहीं ना कहीं फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि मॉडिफिकेशन तो होगा ही, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और किसी भी ऑर्गेनिज्म के सारे सिस्टम को एक्सप्लोर कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझ पाएंगे और उसको अच्छे बेटर वे में क्लासिफाई कर पाएंगे। तो ऑफ कोर्स अगर हमारा साइंस डेवलप कर रहा है, तो हमारे टेक्निक डेवलप कर रहे हैं, तो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम भी एक्यूरेट, फ्रॉम एक्यूरेट टू मोर एक्यूरेट टू मोस्ट एक्यूरेट होता चला जाएगा। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एंशिएंट क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट पर्सन हु हैज स्टार्टेड टू गिव द क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वॉज इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज Aristotle gave the earliest classification and he used simple morphological characters to classify the plants. Morphological characters का मतलब होता है जो characters हमें आँखों से दिखते हैं, जैसे किसी plant को हम देख रहे हैं, किसी इस pen को हम लोग देख रहे हैं, तो ऊपर से देखने में ये जैसा दिख रहा है, जैसे ये red in color है, इसका एक cap है, ये इसका cap transparent है, इस तरह का जो आँखों से ऊपर external features जो हमें दिखते हैं, that are called as morphological characters. तो एरिस्टोटल जो थे, ही वॉज फर्स्ट टू गिव द क्लासीफाई और ही वॉज फर्स्ट टू अटैम्प्ट टू क्लासीफाई द होल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। जब हम कोई क्लासिफिकेशन करेंगे तो कोई बेसिस होगा ना, कि किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन का कुछ बेसिस होता है, उनके क्लासिफिकेशन का बेसिस था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जैसे उन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया
ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. सो सिंपल, जो बड़े बड़े हैं वो सारे ट्रीज हो गए, जो मीडियम हाइट के हैं जो वो सारे श्रब्स हो गए, और जो छोटे छोटे हैं वो हर्ब्स हो गए. ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू ग्रुप्स, दोज हु पोजेस रेड ब्लड सेल्स एंड हु डिडंट. जो रेड ब्लड सेल पोजेस करता है वो एक ग्रुप ऑफ एनिमल हो गया, और दूसरा ग्रुप ऑफ एनिमल हो गया जो ये पोजेस नहीं करता है. तो एरिस्टोटल जो फर्स्ट हमारे फिलोसोफर थे, ही वॉज अ फिलोसोफर एंड ग्रेट फिलोसोफर, ही हैज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन एवरी फील्ड ऑफ साइंस. तो ये जो हमारे फिलोसोफर थे, इन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. दैट इज़ प्लांट्स को डिवाइड किया इन्होंने ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स में, और एनिमल्स को डिवाइड कर दिया रेड एनिमल्स हैविंग रेड ब्लड सेल्स एंड एनिमल्स विच डू नॉट पोजेस रेड ब्लड सेल्स. ओके, इट वॉज द फर्स्ट एंड एंशियंट वन एंड वेरी लैंड मार्किंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यहाँ से क्लासिफिकेशन सिस्टम की परंपरा स्टार्ट हो गई. देन सेवरल साइंटिस्ट गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स. किसी के बहुत पब्लिश्ड हुए, बहुत फेवर मिला, और किसी किसी क्लासिफिकेशन को कोई फेवर, कम फेवर मिला, और उसमें एक्सेप्शंस या उसमें जो निगेटिव पॉइंट्स है वो ज़्यादा आते गए, तो वो क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया, और बहुत सारे क्लासिफिकेशन को अभी भी हम लोग रफली फॉलो करते हैं. तो एरिस्टोटल का ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा करेक्ट एक्यूरेट नहीं था, लेकिन उनका ये पहला स्टेप था जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्लासिफाई करने की सोची, और प्लांट्स को बांट दिया हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में, और एनिमल्स को बांट दिया हैविंग रेड ब्लड सेल्स एंड डू नॉट पोजेसिंग रेड ब्लड सेल्स. इट वॉज नॉट एक्यूरेट, बट इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज एरिस्टोटल, गिवन बाई एरिस्टोटल. देन कम टू द पॉइंट दैट इज लीनियस. ओके, कार्लस लीनियस. इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने कार्लस लीनियस का नाम पढ़ा था, जिसमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर जिन्होंने दिया है, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी में. कार्लस लीनियस का सेवरल फील्ड में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. सो इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन कार्लस लीनियस का नाम आता है. ही गेव टू किंगडम क्लासिफिकेशन. एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसको इन्होंने थोड़ा सा अच्छा ऑर्गेनाइज्ड कर दिया, अच्छा टेक्शन दे दिया. तो टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, दैट इज़ वन किंगडम इज़ प्लांटी एंड द अदर किंगडम इज़ एनिमेलिया. दिस सिस्टम वाज यूज्ड टिल रिसेंटली. अभी तक भी हम रफली छोटे बच्चों को, 3-4 बच्चों को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रफली हम दो ही ग्रुप में बांटने का सिखाते हैं, प्लांट एंड एनिमेलिया. दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश. अब इस सिस्टम में आप देखिए कमी क्या थी. अब एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. अब हमें आज पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं एंड यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं. तो मैंने कहा ना, जैसे जैसे हमारा नॉलेज डेवलप होता गया, और टिल टुडे जैसे जैसे हमारा नॉलेज डेवलप होता जा रहा है, हम क्लासिफिकेशन को एक्यूरेट से मोर एक्यूरेट देन मोस्ट एक्यूरेट की ओर लेते चले जा रहे हैं. तो इस सिस्टम में कमी क्या थी. इन्होंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को अलग नहीं किया था, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग नहीं किया था, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी जो है वो ऑर्गेनिज्म जो थे वो अलग नहीं थे. मीन्स एल्गी भी उनके केस में प्लांट के में ही था और फंगी भी प्लांट में ही था. अगर हम एनिमल की बात करें तो यूनिसेलुलर सारे एनिमल्स, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर सारे प्लांट्स कैटेगरी एक ही में थे. यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर अगर वो प्लांट नहीं है तो सारे एक ही ग्रुप में थे एनिमल्स में. सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज वेरी इजीली डन. बहुत ही आसान तरीके से बच्चों के चाइल्डिश मैनर में कर दिया गया था, लेकिन ये इतना इजी था उस वक्त कि आज तक हम इसको छोटे बच्चों तक में फॉलो करते हैं कि होल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू किंगडम्स, दैट इज़ वन इज़ प्लांट किंगडम एंड वन इज़ प्लांटी एंड वन इज़ एनिमेलिया. लेकिन जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती गई, हमारा एक्वेटेंस बढ़ता गया, लाइक हमारी जो हम
साइटोलॉजी के बारे में जानने लगे, सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानने लगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें पता होने लगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आने लगे, तो हमें ये क्लासिफिकेशन सिस्टम थोड़ा छोटा और इनएक्यूरेट लगने लगा, मीन्स एक्यूरेट नहीं लगा. सो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेज ओवर टाइम. इसको एक्सेप्ट किया गया, आज तक फॉलो किया जाता है, बट इट इज़ नॉट एक्यूरेट. ये एक्यूरेट नहीं है, बहुत ही रफ मैनर में डिवाइड किया गया है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट चीज़ भी एक साथ आ गए हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक एक साथ हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक साथ हैं, फंगाई एंड एल्गी में कोई डिफरेंसेस नहीं है, वो एक साथ हैं. सो अब क्या है, जैसे जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डेवलप होता गया, ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी डेवलप हुआ, और प्रीवियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनएक्यूरेट हम लोगों को लगने लगा. तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी, जो कि कार्लस लीनियस के द्वारा 1753 में दिया गया था, इन्होंने बहुत बुक भी लिखे हैं, सिस्टम ऑफ नेचुरी वगैरह लिखे हैं, उनमें ये आप सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिटेल में दिया था. सो इट बिकम स्लोली ग्रेजुअली इनएडिक्वेट. देन किंगडम्स हैव बीन इंक्लूडेड, दो प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कॉन्स्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स. हालांकि इसके बाद भी जितने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें प्लांट एंड एनिमल एक अनदर दो सेपरेट किंगडम हैं, लेकिन डिफरेंसेस कहाँ आती है, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट में जाएगा और कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में जाएगा, इसके ग्रुपिंग में डिफरेंसेस आता है. ओके, सो मे बी जैसे फंगाई जो था वो लीनियस के वक्त अगर प्लांट्स में था, तो फिर बाद में उसको प्लांट से निकाल दिया गया, क्योंकि दोनों के सेल वॉल में डिफरेंस है, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है. और लीनियस ने ये सोचा कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है और प्लांट में भी सेल वॉल है और फंगस में भी सेल वॉल है, तो दोनों को एक साथ रख दिया जाए. लेकिन बाद में पता चला कि फंगस डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि फंगस अपना भोजन नहीं बना सकता और प्लांट्स फोटोट्रॉपिक है. सो नंबर ऑफ नेचर ऑफ किंगडम्स हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाई डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम. धीरे धीरे डिफरेंट साइंटिस्ट के अलावा डिफरेंट साइंटिस्ट नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिफरेंट वे में लेते गए, और जिनका वे ऑफ क्लासिफिकेशन क्लोज टू द एक्यूरेसी था, उसको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, वो रिनाउंड हुए और वो आज तक फॉलो हुए. तो ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपके बुक में लिखा हुआ है, ये भी फिल्टर करके लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए, लेकिन उनको आज तक फॉलो नहीं किया जाता है. एरिस्टोटल इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट थे और उन्होंने ये स्टेप उठाया क्लासिफिकेशन का. लीनियस क्योंकि ये बहुत ईजी वे में क्लासीफाई किए और ऑथेंटिक भी था प्लांट एंड एनिमल, और आज भी हम लेमैन वे में यूज करते हैं रफली लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने में. उसके बाद आफ्टर दैट इन द थर्ड कैटेगरी कम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाई आर एच विटाकर इन 1969 में आर एच विटाकर के द्वारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया. अब ये जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इस समय तक हमारी जो टेक्निक थी, बायोलॉजिकल साइंस जो था, वो काफ़ी डेवलप हो चुका था, न्यूक्लियस एक्सप्लोर हो चुका था, सेल एक्सप्लोर हो चुके थे, बहुत सारी की एनाटॉमी समझ में आ चुकी थी, क्रोमोजोम्स एक्सप्लोर हो चुके थे, जेनेटिक नंबर, क्रोमोजोमल नंबर वगैरह एक्सप्लोर हो गया था. तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आर एच विटाकर 1969 में दिए, दैट इज़ मोर ऑथेंटिक देन द प्रीवियस वन. What he did, he divided all the living organisms into five kingdoms. सबसे पहले जो हम लोग अभी hierarchy of पढ़े भी हैं, hierarchy of taxon जो पढ़े हैं, उसमें सबसे largest hierarchy kingdom था, उसमें इन्होंने पांच kingdom में divide किया. जैसे Carlos Linnaeus ने दो kingdom में divide किया था, इन्होंने पूरे living organism को पांच kingdom में divide किया. That kingdom is given in your NCERT book. That is your table number 2.1. That is your this table. This table number 2.1. Okay. इस table में आप देखेंगे
आप ये टेबल देखेंगे आपके बुक में दिया हुआ है, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, फर्स्ट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, ये आप अपने बुक को ओपन करके वीडियो को वॉच कीजिएगा। 2.1 है टेबल और सारे के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। अब देखिए उन्होंने मोनेरा को किस बेसिस पे डिवाइड किया। मोनेरा जो ग्रुप है वो सारे प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड करेगा। सेल टाइप उनका कैसा रहेगा? प्रोकैरियोट्स। इसके बाद सारे यूकैरियोट्स रहेंगे, प्लांटी एनिमेलिया तक सारे यूकैरियोट्स रहेंगे। उसी तरह सेल वॉल में ये जो आपका मोनेरा है वो नॉन सेलुलोजिक रहेगा एंड पॉलीसेक्राइड एमाइनो एसिड का बना हुआ रहेगा। ये जो प्रोटिस्टा है इसमें प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट रहेगा कुछ में एब्सेंट रहेगा। फंजाई में ये जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट विथ काइटिन। ये प्लांटी है, प्लांटी में प्रेजेंट सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट है और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट है। इस तरह उन्होंने इतने कैरेक्टर्स लिए और इन दैट बेसिस वो ये पांचों किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में इस कैरेक्टरिस्टिक्स का सिचुएशन को डिफाइन किया कैसा है। अब देखिए जो मोनेरा ग्रुप था वो पहला तो प्रोकैरियोटिक था, मींस न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। सेल वॉल जो है वो नॉन सेलुलोजिक है और पॉलीसेक्राइड अमाइनो एसिड का बना हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इसके बाद वाले जितने भी किंगडम्स थे उसमें सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थे। इन द सेम वे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? यहाँ सेलुलर था। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर था, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज यूनिसेलुलर, एक सेल के बने हैं और प्रोकैरियोटिक हैं आर मोनेरा, यूनिसेलुलर हैं एंड यूकैरियोटिक हैं आर प्रोटिस्टा। और फंजाई से मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू बनना स्टार्ट हो गया, लेकिन ये हैं कैसे? यूकैरियोटिक। प्लांटी बिल्कुल टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल पे चले गए और ये यूकैरियोटिक हैं। एनिमल फ्रॉम टिश्यू टू यूकैरियोटिक हैं। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक टिश्यू लेवल कम्स इन एनिमेलिया। ओके, दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज वेरी मच क्लोज टू द एक्यूरेट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस टेबल यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। उनका फिर आप देखिएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा है। ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, केमोसिंथेटिक मीन्स वो केमिकल से अपना भोजन ले सकते हैं, फोटोसिंथेटिक मीन्स अपना भोजन खुद सनलाइट से बना सकते हैं, और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं मीन्स किसी और पे डिपेंडेंट या सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। उसी तरह प्रोटिस्टा में ये ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, फोटोसिंथेटिक हो सकता है और हेटरोट्रॉपिक भी होगा। उसी तरह फंजाई में ये हेटरोट्रॉपिक है, लाइक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ये लेगा। ये सेप्रोफिटिक हो सकता है और पैरासिटिक हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक में प्लांट्स जो है वो ऑफकोर्स पूरे प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉपिक होंगे और एनिमल्स पूरे हेटरोट्रॉपिक होंगे। सो इन दिस वे द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाई आर एच विटाकर, इन विच ही क्लासीफाइड द होल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन टू फाइव किंगडम्स। दैट इज फर्स्ट इज मोनेरा, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक मल्टी यूनिसेलुलर लाइक प्लाज्मोडियम, लाइक पैरामीशियम, लाइक यूग्लिना। जब हम लोग इस सेपरेट सारे क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल्स को देखेंगे। फिर देन फंजाई मीन्स दे हैव सेल वॉल बट देयर सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल इज काइटिनस, सॉरी सेलुलोजिक इन नेचर एंड फंगस सेल वॉल इज काइटिनस इन नेचर। प्लांट इज फोटोसिंथेटिक एंड फंजाई इज सेप्रोफिटिक। इन द सेम वे एनिमल किंगडम एनिमेलिया हैज नो सेल वॉल प्रेजेंट इन देयर सेल्स। नाउ दिस वॉज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवेन बाई आर एच विटाकर। हेयर एवरीथिंग इज रिटन, प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया। आफ्टर दिस वॉट आर द बेनिफिट्स एंड वाई देर वॉज नीड ऑफ फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवेन बाई आर एच विटाकर। दीज लाइन्स आर गिवेन इन योर एन सी आर टी बुक पेज नंबर 17 एंड द थर्ड पैरा। Let us look at this five system classification to understand the issues and considerations that influence the classification system.
इसको क्या इन्फ्लुएंस किया था और क्यों ये क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे एग्जिस्ट किया। पहले क्या था, बैक्टीरिया है जो कि क्या है, एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक बट फोटोसिंथेटिक है, फंजाई जो कि फोटोसिंथेटिक नहीं है, मॉसेस फॉर्म्स जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स ऑल वेयर अंडर प्लांट्स, सारे चीज़ जो थे वो अंडर प्लांट्स थे। किसके सिस्टम में, कार्लस लीनियस के सिस्टम में। द करैक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वॉज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड दैट सेल वॉल इन देयर सेल्स। तो कार्लस लीनियस ने क्या सोचा था, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल है वो सारे प्लांट्स हैं। लेकिन यहाँ पे आर एच विटाकर ने क्या किया कि फंजाई को अलग किया प्लांट से, क्योंकि प्लांट का सेल वॉल एंड फंजाई का सेल वॉल केमिकली बिल्कुल डिफरेंट है। प्लांट फोटोसिंथेटिक है, फंजाई फोटोसिंथेटिक नहीं है, तो क्यों हम फंजाई को प्लांट में रखेंगे, उसका एक अनदर किंगडम ही बनना चाहिए। इन द सेम वे इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया जो सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि एल्गी है और इसमें प्लांट सेल वॉल है, जो एल्गी है उसका सेल वॉल प्लांट है, बैक्टीरिया के प्लांट सेल, बैक्टीरिया के सेल वॉल से इसका सेल वॉल बिल्कुल डिफरेंट है। ब्लू ग्रीन एल्गी विथ अदर ग्रुप्स विच वेयर यूकैरियोटिक इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर वंस लाइक क्लेमाइडोमोनास, जो कि यूनिसेलुलर है, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है और ये एक एल्गी है। स्पाइरोगाइडा वेयर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी, स्पाइरोगाइडा मल्टी सेलुलर है और ये इलोंगेटेड इन स्ट्रक्चर है, ये सारे चीज़ एल्गी में आ गए थे। सो आर एच विटाकर द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉपिक ग्रुप फंगी एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रुप प्लांट, जो इससे प्रीवियस वाला जो क्लासिफिकेशन था उसमें ये प्रॉब्लम्स पाए गए, कोई फोटोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक में कोई डिफरेंस नहीं था, सेल वॉल प्रेजेंट है तो सारे प्लांट हो गए, कोई कुछ नहीं देखा गया कि सेल वॉल कैसा है, वो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स वही ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करेगा जिसमें सेल वॉल सेलुलोजिक हैं और वो फोटोसिंथेटिक हैं, इस चीज़ को नहीं देखा गया था। बहुत सारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एक साथ आ गए थे लाइक क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगाइडा और सारे प्लांट ये पूरे एल्गी ग्रुप में आ गए थे। अब क्लेमाइडोमोनास को अलग करके आपको प्रोटिस्टा में रख दिया जा सकता है क्योंकि वो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है। सो द फंगाई हैज काइटिन बट देयर सेल वॉल्स व्हाइल द डिफरेंट ग्रीन प्लांट्स हैड सेलुलोजिक सेल वॉल। सच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज नॉट सफिशियंट एंड देर वॉज अ नीड ऑफ दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डैट वॉज गिवेन बाई विटाकर, जिसमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। क्या क्या, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेयर ग्रुप्ड अंडर टुगेदर किंगडम मोनरा, सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को मोनरा में रख दिया गया। यूनिसेलुलर एक सेल के बने हों और यूकैरियोटिक हों उनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। प्रोटिस्टा बनने के बाद जो प्रोटिस्टा एक अनदर किंगडम बन गया, तो इसके कारण क्या हुआ, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरोला जो था वो पहले एल्गी में था प्लांट्स के अंदर, वो अब बिल्कुल सेपरेट ग्रुप आ गया प्रोटिस्टा में, जो कि प्रोटिस्टा एक ग्रुप है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे और पहले क्या था ये सभी प्लांट में थे। सो पैरामीशियम अमीबा के साथ ये सब आ गए। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। इसमें जो डिफरेंट किंगडम्स पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में थे और बहुत सारे सिमिलरिटीज शो कर रहे थे, वो अब यहाँ सिर्फ एक किंगडम में आ गए, मीन्स क्लासिफिकेशन थोड़ा एक्यूरेट हुआ। सो बट दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नॉट द टिप ऑफ द एक्यूरेसी। हम जैसे जैसे टेक्निकली एडवांस होते जाएंगे, हमारा नॉलेज इंक्रीज करता जाएगा, हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत अच्छे से जानना स्टार्ट कर देंगे, क्लासिफिकेशन हमेशा चेंज करता रहेगा। क्योंकि यहाँ आप लिखा हुआ है, ओवर टाइम एंड अटेम्प्ट्स हैज बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक्स का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालना,
और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कब निकलेगा, जब हम जेनेटिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, क्रोमोजोम लेवल पे जाएंगे तब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकलेगा, एंड दैट द टू नो द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज नोन एज फाइलोजेनेटिक्स। तो आज की जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है रिसेंट, वो फाइलोजेनेटिक्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। जेनेटिक्स क्रोमोजोमल नंबर और क्रोमोजोम से रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। सो इन द फर्दर टॉपिक वी विल स्टडी वन बाय वन ऑल द सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑल द फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वन बाय वन, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। आफ्टर दैट in your supplementary material and in new NCERT book, one more system of classification is given, that was given by Carl Woese. Carl, CARLWOES, Carl Woese in 1990. उन्होंने क्या किया, इस kingdom को और एक ऊपर level पर divide किया, means domain level पर kingdom को भी divide किया ऊपर level पर, upper taxon पर, domain पर। उन्होंने monera kingdom को दो part में divide कर दिया, that is archi and eubacteria, okay, archi and eubacteria, उसको कह सकते हैं prokaryota, archi and prokaryota, and बाकी सारे जो थे protista, fungi, planti, animalia, उसको eukaryota कहा, means monera को दो दो part में divide कर दिया, archi and तुम्हारा prokaryota, और बाकी सबको बोल दिया eukaryota। तो किंगडम के ऊपर तीन डोमेन बनाया, कौन कौन सा, आर्की, जिसमें आर्की बैक्टीरिया आएगा आप बाद में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटा जिसमें केवल ट्रू बैक्टीरिया आएगा, एंड देन यूकैरियोटा जिसमें आपके सारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया आएंगे। मीन्स किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू अपर लेवल, दैट इज डोमेन, ही डिवाइडेड द होल फाइव किंगडम इंटू थ्री डोमेन्स एंड देयर फॉर सिक्स किंगडम्स वेयर फॉर्म। इसके कारण सिक्स किंगडम बन गया, क्योंकि मोनरा दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, आर्की एंड प्रोकैरियोटा। सो द ही वॉज कार्ल वॉज हु गेव द सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, और उनका जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो राइबोसोमल आरएनए एंड आरएनए बेसिस था, जो कि हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल रीड टिल दिस टॉपिक ओनली, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच वी हैव रेड। Aristotle was first who gave the system of classification, then Carlos Linnaeus, then R.S. Whittaker, five kingdom of classification, which is very much important. Table 2.1 must be drawn in your copy and remind the characters of all the kingdoms, and after in last the Carl Woese six kingdom classification, or it may be called as three domains classification. So in the next video we will read one by one all the characteristics of the separate kingdom. Till then read the book and prepare your notes. Thank you.